दक्षिणी दिल्ली के राजनीतिक अखाड़े में बीजेपी उम्मीदवार को पटखनी देने के लिए आम आदमी पार्टी ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वो असल जिंदगी का पहलवान रहा है। आम आदमी पार्टी ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से सहीराम पहलवान को उम्मीदवार बनाया है और जैसे ही ये नाम घोषित हुआ है वैसे ही चर्चा शुरू हो गई है सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की और बीजेपी के सांसद रमेश भिदोड़ी की, जो पिछले दो बार से दक्षिण दिल्ली से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जो दुश्मनी है, जो राजनीतिक दुश्मनी है, वो घोषित रूप से कम भी 15-16 साल पुरानी है। 2008 में रमेश भिदोड़ी के खिलाफ सहीराम पहलवान ने विधायक का चुनाव लड़ा, हार गए लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। 2013 में सहीराम पहलवान ने फिर से रमेश भिदोड़ी के खिलाफ विधायक का चुनाव लड़ा, यहाँ पर भी हार गए लेकिन फिर दूसरे नंबर पर लड़े। इसके बाद 2014 में रमेश भिदोड़ी सांसद बन गए और फिर जब सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी के टिकट पर तुगलकाबाद से चुनाव लड़े तो सहीराम पहलवान ने रमेश भिदोड़ी के भतीजे विक्रम भिदोड़ी को चुनाव हरा दिया। 2015 में भी हराया और 2020 में भी हराया। तो कुल मिलाकर रमेश भिदोड़ी और उनके परिवार से जो उनकी दुश्मनी है उसमें दो बार सहीराम पहलवान जीते हैं और दो बार हारे हैं। अब ये पांचवी बार मुकाबला होने जा रहा है। मेरे साथ सहीराम पहलवान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो कौन सा दाम होगा आपका? पहले तो आपने असली पहलवानी कब छोड़ी आपने? मैंने 87 में। अच्छा, 87 में छोड़ी और 97 में आप पार्षद बन गए थे पहली जी, बार जी। ठीक है, तो ये राजनीतिक पहलवानी जो आप कर रहे हैं अखाड़े में, ये कब से हो गई थी शुरू? ये 93 से आप राजनीति में आ गए जी। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा दाव होगा राजनीति का जो आप जो हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए चलाना चाहेंगे, जिससे कि जो 10 साल में पिछले दो बार से यहाँ रमेश भिदोड़ी लगातार जीत रहे हैं तो तीसरी बार वो ना जीते, ऐसा कौन सा दाव आप चलाएंगे? मैं तो साउथ दिल्ली के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उनके पैर छू के, उनका आशीर्वाद लेके, नौजवानों का प्यार लेके दाव मारूंगा। राजनीति में यही दाव चलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ बहुत जरूरी है। हाँ। तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे साउथ दिल्ली के बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहूंगा। हाँ। कि वो बड़ा प्यार आशीर्वाद मुझे दें और नौजवान साथी मेरा साथ दें। थोड़ा सर ये राइवलरी बताइए आपकी, रमेश भिदोड़ी परिवार से जो राइवलरी है आपकी, जो पॉलिटिकल राइवलरी है, तो असली तो कोई राइवलरी नहीं है आपकी? नहीं, मेरी जाति दुश्मनी उनसे कोई नहीं है, राजनीतिक है, खाली राजनीतिक है वो। हाँ। विचारों की लड़ाई है हमारी। हाँ। और वैसे कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई जाति लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। वो अपनी पार्टी से लड़ते हैं, मैं अपनी पार्टी से लड़ता हूँ। दो बार वो जीते हैं ये लड़ाई, और लेकिन आमने सामने की लड़ाई में आप नहीं जीत पाए रमेश भिदोड़ी से? नहीं, जीत नहीं पाया, लेकिन मार्जिन मेरा बहुत कम रहा है। 2008 में मैं 3200 वोट से आ रहा था। अच्छा। और 2013 में 2800 वोट से आ रहा हूँ, जबकि बीएसपी का यहाँ कितना वजूद भी नहीं है। हाँ। और बीएसपी से मैं चुनाव लड़ा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत ज़्यादा इसमें आमतौर पे हम जाते नहीं हैं, लेकिन जब राजनीति होती है तो उसमें ये बातें आती हैं कि आप दोनों एक ही गोत्र के हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी भिदोड़ी गोत्र है। हाँ। रमेश जी का भी भिदोड़ी गोत्र है। और आपका भी एरिया लगभग वही है जो उनका है? दोनों का एरिया भी लगभग वही है? एरिया वही है, लेकिन बड़ा गांव मेरा है, मेरे गांव से ही तुगलकाबाद गांव निकला हुआ है। अच्छा। मेरे गांव से ही यहाँ भिदोड़ी गोत्र के 5 गांव निकले हुए हैं, बड़ा गांव मेरा है, उसकी सभी 4 और शाखाएं हैं। हाँ। तुगलकाबाद है, मदनपुर खादर है, जसोला है, खिदराबाद है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, लोग जो हैं पिछले दो बार से रमेश भिदोड़ी को यहाँ चुन रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ चुन रहे हैं, आप ऐसा क्या करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे कि वो इस बार आपको चुने? देखिए, उसके मुख्य दो कारण हैं। हाँ। एक तो 10 साल में, अब जैसे अभी हमारी विधानसभा चल रही है, मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए समस्याओं पे सरकार के होते हुए भी कई बार सवाल किए, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए, लेकिन भिदोड़ी जी ने पिछले 10 साल में क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर एक बार भी लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाई, जबकि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्याएं, DDA से बहुत बड़ी समस्या रही हैं, ASI से बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं, इन्होंने लोकसभा में एक बार भी सरकार से यही नहीं पूछा कि आए दिन DDA बिल्डोजर लेके क्यों लोगों के घरों पर पहुँच जाती है, ASI तुगलकाबाद गाँव में क्यों कार्रवाई करती है। तो इतनी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है यहाँ पर दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट का, वो ये है कि 2014 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो
जो रमेश भिदुड़ी हैं बीजेपी उम्मीदवार, वो 1,07,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिले वोटों को जोड़ दिया जाए तो ये रमेश भिदुड़ी को मिले वोटों से 18,000 ज़्यादा हो जाते हैं। 2019 में रमेश भिदुड़ी बीजेपी के उम्मीदवार जो भी सांसद हैं यहाँ से, वो जब यहाँ से जीते थे तो 3,67,000 वोटों के अंतर से वो जीते थे, और इसमें अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों को वोट भी मिला दिए जाएं तो 2,00,000 वोट जो हैं वो बीजेपी उम्मीदवार के ज़्यादा बन रहे हैं। पहली बार सांसद के चुनाव में रमेश भिदुड़ी और सहीराम पहलवान जो हैं ये जब आमने सामने आएंगे तो जनता किसको वोट करेगी, किस आधार पर करेगी, इस पर नज़र रखिएगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो इस पर चर्चा होगी कि ये जो राजनीतिक दुश्मनी है ये कहाँ जाकर किस मोड़ पर क्या रंग लाई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।